गुलाब जैसा दिखने वाला, सर्दियों में उगने वाला बहुत ही खूबसूरत फूल जिसका नाम है रैनकुलस, बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बीज और बल्ब दोनों से उगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसे बल्ब से उगाना सीखेंगे कि इसको, वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि इसको किस तरीके से हम उगा सकते हैं, क्या कौन सा तरीका होता है, बिल्कुल सही तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। और पौधा बल्ब लगाने से फूल आने तक क्या देखभाल चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये आप जो देख रहे हैं ये है रैनकुलस के बल्ब, जिन्हें पानी में भिगो लिया गया है। ये मैंने खरीदे हैं seedsandpots.com वेबसाइट से। तो आप भी वहाँ से खरीद कर इन्हें उगा सकते हैं। इन्हें उगाने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में आप इसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको बल्ब खरीदने हैं और बल्ब को पानी के अंदर पूरी रात के लिए भिगो लेना है। इस तरीके से मैंने इसको पानी में भिगो लिया और फिर ताकि हमारे बल्ब को फंगस ना लगे, इसके लिए हम फंगीसाइड पाउडर जो है वो पानी के अंदर घोल लेंगे और उसके अंदर एक घंटे के लिए अपने बल्ब जो है वो रख देंगे। इस तरीके से हमने ये फंगीसाइड का पानी बनाया और इसके अंदर जो बल्ब है वो सारे के सारे डाल देंगे और एक घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। इसे छोड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये आपको ये डूब जाने चाहिए फंगीसाइड के पानी में, ताकि हमारे बल्ब को फंगस ना लगे और हमारे सभी बल्ब जो हैं वो ग्रो हो सकें। मैंने 10 बल्ब खरीदे हैं लेकिन मुझे एक बल्ब में से लगभग दो दो तीन तीन पौधे जो है वो बड़ी आसानी से मिल गए। इसके अब आपको क्या करना है, एक जिप लॉक बैग लेना है, उसके अंदर कोकोपीट डालना है और कोकोपीट जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसको आप पानी में भिगो कर निचोड़ कर और फिर डालें। और इस तरीके से जो बल्ब हैं वो सारे के सारे निकाल कर और इस कोकोपीट के बैग में हम इसे पैक कर देंगे। अब दोस्तों इसे पैक करने का जो मतलब है कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और हमारे जो बल्ब हैं वो रूट्स निकालें और शूट निकालें, तो जो कि हमारे अच्छे पौधे जो हैं वो बनेंगे। तो इस तरीके से हम सारे बल्ब जो हैं वो डाल देते हैं और ऊपर से फिर हम इसके अंदर कोकोपीट डालेंगे। ये हमने सारे बल्ब जो है वो डाल दिए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऊपर से कोकोपीट। तो चलिए इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे और उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है, आप जैसे मर्जी डाल दें, रूट्स तो आ ही जाएंगी और बाद में हम इसे पॉट के अंदर भी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कोकोपीट जो है इसके अंदर डाल देंगे। कोकोपीट डालने के बाद इसे बंद करेंगे और बंद करने के बाद फ्रिज के अंदर रख देंगे। 7 से 8 दिन में आपके पौधों में रूट्स आ जाएंगी। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको कि कैसी रूट्स हमारे बल्ब में आई है। ये देखिए रूट्स भी आ गई है और शूट भी निकल रहे हैं, दो दो तीन तीन, किसी किसी बल्ब में तो 4-4 पौधे जो हैं वो बनेंगे। तो इस तरीके से इन्हें अलग नहीं करना है, ऐसे ही लगाना है। तो इस तरीके से हम मिट्टी जो है एक भाग खाद का, एक भाग रेत का और 3 भाग मिट्टी के मिक्स करके उसके अंदर हम अपने जो बल्ब है वो लगा रहे हैं। बड़े ही आराम से आपको प्यार से लगाना है इस तरीके से, और ये जो शूट है वो बाहर रखने हैं और जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर दबा देनी है। तो इस तरीके से दूसरा बल्ब भी हम लगा लेंगे, थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और उसके अंदर रख के, और इस तरीके से जो देखिए जड़ें जो हैं काफ़ी लंबी लंबी बढ़ गई हैं हमारी कोकोपीट में ही, यानी कि अब ये खाना लेने के लिए तैयार है और पौधा बढ़ने के लिए तैयार है। तो लगाने के बाद हम 15 दिन बाद देखते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब ज़रूरत है इन्हें खाद की। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, NPK का स्प्रे कर सकते हैं और सी वीड जो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे जो हेल्दी पौधे हमारे हैं वो निकले हैं, और इनके ऊपर आप फर्टिलाइज़र का स्प्रे कीजिए और मिट्टी के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए और फंगस ना लगे उसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। तो ये सारे काम आपको 15 दिन के इंटरवल पर करने होते हैं, तो आप इन्हें कीजिएगा और फ्लावरिंग आप बहुत ही ज़बरदस्त पाएंगे, जो कि सर्दियों में बहुत ही लंबे समय तक, ये काफ़ी लंबे समय तक फूल देता रहता है और इसके फूल जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ये देखिए रेड, येलो और पिंक है इसके अंदर,
और देखिए बिल्कुल गुलाब के जैसा फूल लगता है। जो बल्ब से उगाए पौधे होते हैं उनके फ्लावर थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जो बीज से उगाए होते हैं उनके फूल थोड़े से अलग होते हैं। उनका पौधा भी छोटा होता है बीज वाला, और बल्ब वाले पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और फूल भी बहुत ही बेहतरीन देते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।